What's up guys and welcome back to another vlog. आज थोड़ी energy ऊपर लग सकती है by default because आज का agenda क्या है? हाँ, आज का agenda है ये. Yes, हम जा रहे हैं BIC circuit. अपन को invite आया रहला है और जो event हो रहा है basically वो क्या event है? Track day था Saturday and Sunday. तो यहाँ पे एक काफ़ी रिनाउंड ट्रैक राइडर हैं जो कोचिंग वगैरह भी देते हैं मिस्टर रजनीश. तो उनकी क्लासेस थी, ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग सेशंस थे. दो दिन का ट्रैक था, ऑर्गेनाइज़ किया था बाइकर्स वर्ल्ड ने. तो जिस जिसको जाना था उन्होंने पर्टिकुलर जो भी फ़ीस होती है वो फ़ीस दी. उसके बाद वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली. उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है, आपको ट्रैक पर अगर राइड करनी है तो यू जस्ट कांट गो एंड राइड. आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिक टेक्निक्स होती हैं, क्या लीनिंग एंगल होना चाहिए, कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी होती है. अब हर बाइक ट्रैक के लिए नहीं बनी होती, कुछ पर्टिकुलर ट्रैक स्पेसिफिक बाइक्स भी होती है. तो उनमें और नॉर्मल बाइक्स में क्या डिफरेंस है, फलाना ढलाना फलाना. विद दिस बेसिक इन्फो हम आज का दिन स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आज जैसे कि मेंशन किया हुआ है ग्रुप के अंदर कि हम ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं और बहुत सर्किट जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो ट्रैक करना चाह रहे हैं. ट्रैक के अंदर ये हमारी इंस्ट्रक्शन गई हुई थी, मैंने डाला है उसके अंदर व्हाट्सअप में कि जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं उन्हीं के लिए चार्जेबल है फॉर 20 मिनट्स और 15 मिनट उससे पहले की ब्रीफिंग है. आपको बताया जाएगा जो चीज़ें आपने फॉलो करनी है वहाँ पे. अगर आपके जो लोग ट्रैक करना चाह रहे हैं, जो लोग ट्रैक करना चाह रहे हैं अगर उसके अंदर वो रेडी होने में टाइम लगाते हैं, उनके 5-7 मिनट चले जाते हैं तो वो 20 मिनट में 5-7 मिनट्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक बेल करना है. एक उन्होंने कि भी जिस टाइम पर लाइट और एक बेल करेंगे जिस टाइम पर आपके 20 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे. हमारे बीच में 2 नए राइडर्स आए हैं और मैं उन दोनों राइडर्स को बोलूंगा कि आप आगे आके बारे में बताएं. मेरे बीच में पुष्पाल जी हैं, पुष्पाल शर्मा जी, और सेकंड एक रोहित है हमारे बीच में. तो मैं पहले पुष्पाल जी को बोलूंगा अपने बारे में ब्रीफ करें और उसके बाद मैं रोहित को बोलूँगा. मेरा नाम पुष्पाल शर्मा है एंड मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ बट अभी मैं गाज़ियाबाद इंद्रापुरम में रहता हूँ. और बाइक्स तो मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, बस सुपर बाइक्स में मैं अभी रिसेंटली बस ऐड हुआ हूँ. इससे पहले मैं एनफील्ड चला रहा था 500 एंड अभी मैंने वल्कन एस कावासाकी से शुरू किया है. थैंक यू सो मच. वेलकम. माय नेम इज़ रोहित वर्मा. आई एम 26 इयर्स ओल्ड एंड एम राइडिंग हायाबुसा सिंस 1 ईयर. बोस ग्रुप के बारे में मेरे को जेसन फिल्म्स एंड बियर्ड बाइकर से पता चला. अच्छा, वेरी गुड. हाय, किसी ने नाम ही ले लिया. थैंक यू. लाइट हो गया. So this is time to roll and आज बहुत सारे राइडर्स हैं. सब लोग चल पड़े अपनी अपनी डार्लिंग्स पे. Red. तो जी हमें ये मिला है, जस्ट कीप राइडिंग. सो लेट्स राइड विद दिस. ओहो, पागल हो गए सब. वेलकम. वेलकम टू BIC. ये है इसका मेन एंट्री गेट. यहाँ से अंदर जाते हैं और इधर हमारी बाइक्स पार्क होती हैं. ये हमारा नेशनल फ्लैग की तरह बनाया हुआ है. तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इसी नोट पे.
या मैसेज रवि सर हैं और मैं एंटायर ग्रुप की तरफ से इनको बहुत वेलकम कर रहा हूँ. इन्होंने हमें भी वेलकम किया, हम भी इनको वेलकम कर रहे हैं. और मैं पूरे ग्रुप की तरफ से हम एक इनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारी जितने भी राइडर्स हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें बताओ. जो आप में इतने प्लस पॉइंट्स हैं उसमें से कुछ प्लस पॉइंट हमें मिल जाएंगे तो हमारे में से भी आप जैसा ट्रैक राइडर बन जाएगा. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली बिग थैंक्स टू रनी सर फ्रॉम एंटायर ग्रुप. आज का जो भी इवेंट था वो था बाइकर्स वर्ल्ड के साथ. तो इनके साथ साथ और भी हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, ऑलिव्स क्री, पेरेली. सो थैंक यू मैम. अनुराधा मैम, इनका नाम अनुराधा है और ये बहुत ही रिसेंटली बहुत एक खास चीज़ करी है, डिजाइनिंग फैजल्स लाउंज व्हिच विल बी कमिंग सून, आई होप इंशाल्लाह, वेरी सून इंशाल्लाह. And it's a rooftop, basically rooftop. Gonna be one of the best rooftop in Delhi, inshallah. Let's see. Yeah. So we are hoping for the best. Do come over for joining us on the event. Yeah, she is my interior designer. तो बाइकर्स वर्ल्ड जो अभी सिर्फ एक शोरूम है, गियर्स जब वगैरह जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कैफे भी खुल रहा है जो बाइकर्स के लिए भी है. बाइकर्स के लिए ही है, बाइकर्स के लिए ही है. और वहाँ पे पार्किंग का भी इशू नहीं है. मैं बहुत बार जाता हूँ, आपने मेरी वीडियोज भी देखी होगी. मेरी सारी एक्सेसरीज बाइकर वर्ल्ड से आती है. सर्विस भी करा लेंगे, सर्विस भी करा लेंगे. तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. सो ट्रैक पे जाने के लिए आपको इंडेमनिटी फॉर्म चाहिए होता है जो हम साइन कर रहे हैं. तो ये जो आज ट्रैक डे हो रहा है ये ऑर्गेनाइज किया है बाइकर्स वर्ल्ड ने. तो ये हम आगे फैजल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस. सबसे पहली बात ये, बॉस ग्रुप को इन्होंने आज इनवाइट किया है. कोई भी बाइक लेके आओ, बस एक रिक्वायरमेंट है कि फुल ट्रैक सूट होना चाहिए, अपनी नॉर्मल जैकेट. बेसिकली BIC के नॉर्म्स है, लाइक यू नीड अ फुल सूट, बूट्स एंड फुल ग्लव्स. अच्छा, या ओके. तो हमारे नॉर्मल ग्लव्स नहीं चलेंगे. हमने ट्राई किया था जुगाड़ करने का कि हमें ऐसे जाना है, तो बिल्कुल मना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है. ना कि इनको कोई फायदा है, उससे हमें ही फायदा होता है, हमारी सेफ्टी. अगर बाइक स्लिप हो गई सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अगर इतनी सी भी स्लिप हो गई तो उसमें हम ही बचेंगे और कुछ नहीं होगा. तो यहाँ ये होता रहता है. अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर किसी को नॉर्मली ट्रैक पे आना हो तो उसके लिए क्या है, और आप रेगुलर इंटरवल्स पे कराते रहते हो ट्रैक डे? हमारे रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रैक डेज भी होते रहते हैं. एंड मोर ओवर अभी जो चल रहा है, आज ये रेसिंग एकेडमी है जो RACR रन कर रहा है, जिसमें लाइक पिरेली इज द पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड द बाइकर्स वर्ल्ड एंड RACR. RACR इज रजनी सर का है जो इंडिया फास्टेस्ट रेसर, रजनी कृष्ण, 2018 मलेशियन GP चैंपियन. कभी हम भी चलाएंगे. आएंगे, डो वरी. हमने सिर्फ ट्रैक बाइक्स देखी हैं. तो यहाँ पे भूसा है और मैं तो पहली बार KTM में, RC है ना, ये KTM RC देख रहा हूँ मैं ट्रैक पे. बेसिकली RC 390 इज लाइक यू नो मोस्ट फेवरेट बाइक ऑन यू नो इन 400 cc सेगमेंट फॉर ट्रैक. ओके, ड्यू टू द लाइट वेट. या लोग कहते हैं भूसा को ट्रैक पे नहीं ले जा सकते. या करेक्ट. बेसिकली भूसा इज लाइक यू नो वन ऑफ द स्पोर्ट्स टूरर बाइक विच इज हैवी वेट. You know, or the thing is, Busa, you can't lean it easily. Jayegi toh woh chali jayegi fir because of the weight. Yeah. Baki so it's a sports tourer basically. Haan Busa. Toh matlab aisa toh nahi hai ki bilkul hi le jaa sakta. You can ride for practice, you can ride for academy, you can ride for track, for races you can't. अच्छा, नॉर्मल जैसे हम कोई भी बाइक लाते हैं, जैसे मेरे पास भूसा है, अगर मैं बाई चांस किसी भी ट्रैक डे पे आता हूँ तो नॉर्मल टायर्स चला सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टायर्स होते हैं? इट डिपेंड ऑन योर राइडिंग स्टाइल. ओके, इफ़ यू आर वेरी अग्रेसिव यू मस्ट नीड यू नो स्लीक टायर्स. ओके, हाँ, वो हम गेम खेलते हैं ना PS4 पे, उसमें स्लीक टायर्स और वो सब टायर्स का ऑप्शन आता है. ओके, थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. अच्छा एक छोटी सी बात, किसी को अगर अगली बार अगर ट्रैक डे पे आना हो तो नॉर्मल फीस क्या होती है? बेसिकली जो हम लोग रेगुलर ट्रैक डेज करते हैं उसकी नॉर्मल फीस 12,000 to 15,000 रहती है. ओके, कितने दिन का? Four sessions, three sessions. Okay, four sessions. 20 minutes per session. Yeah, 20 or can be like 30-minute session. Depend karta ho academy to academy. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye. So, welcome to BIC. यहाँ पे कुछ माहौल ऐसा ही है. Energies पूरी top पे है. अभी warm up laps and all चल रहा है. उसके बाद जो लोगों का जो भी session होगा वो करेंगे. तो आपको जैसे कि फैजल भाई ने बताया 20 मिनट का, आधे घंटे का, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर. तो यहाँ पे कुछ ऐसा हाल है, अभी
हमारे ग्रुप के कुछ राइडर्स हैं जो ट्रैक करने जा रहे हैं, अपने भाई लोग करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों को पूरी एंजॉयमेंट देंगे। बॉस ग्रुप के राइडर जो ट्रैक करने वाले हैं आज, कैसा लग रहा है सर? फटीग लेवल पसीना आ चुका है, लेदर सूट चिपक चुका है। और फटिंग कितनी हो रही है? फटिंग अभी नहीं हो रही है, पहले किया हुआ है ना एक बार, तो फटिंग नहीं हो रही ना। सेकंड ट्रैक राइडर फ्रॉम बॉस ग्रुप, एक वो है शुरू हो गया है। हमारे बॉस ग्रुप के 3-4 बंदे गए हैं, एक बार में एक सेशन में जाते हैं 20 राइडर के आसपास। तो फर्स्ट सेशन अभी भी जा रहे हैं लोग, टाइम स्टार्ट होने के बाद आप एकदम निकले, चाहे 2 मिनट लगा के निकले, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है तो हो गया है, वंस द क्लॉक इज टिकिंग इट कांट बी स्टॉप। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ट्रैवल करने के लिए स्कूटी नहीं है, अदरवाइज हम अलग अलग कॉर्नर्स पे खड़े हो सकते थे अपने राइडर्स को कैच करने के लिए। सेशन स्टार्ट, 20 मिनट का सेशन होगा जिसमें आप जितने मर्जी राउंड मार सकते हो 20 मिनट में, जितने वो आपके ऊपर है। रोड क्रॉस कर लेते भाग के। खड़े मीडिया बॉक्स में, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, पीछे का एक कर्व आ रहा है, वो ना जूम लेंस नहीं है तो उसमें दिखेगा नहीं। मैं क्या सुना, धूप बहुत आ रही है। हम क्या, हम स्मार्ट दिखने चाहिए भाई, कैसे भी दिखे आप तो वैसे ही हो। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो। तो यहाँ कुछ लोग वीडियो भी उठा रहे हैं, हमने देखा। कोई देखा उनकी घास सकने वाली है। अब देखो सड़क पे नहीं उठाते तो यहाँ के कोई नहीं सुनता, यहाँ के भाई हमें भैया सुनाई नहीं दे रहा, बाद में बात करेंगे, डांट पड़ेगी बाद में पड़ेगी, पहले काम कर दो। हमें वीली आती नहीं है अभी तक, आती है अभी वीली नहीं आ रही है, जिनको वीली नहीं आती उनका दर्द पूछो भैया। हम लोग इतना मन करता है वीली मारने में, क्या करें। बहुत ही बढ़िया व्यू, यहाँ पे बाइक आती नहीं है, आवाजें पहले आ जाती है और उसके बाद सेकंड लगते हैं बाइक गायब हो जाती है, पर बाइक की आवाज रह जाती है, बाइक की आवाज रह जाती है। अभी हो गए हैं, अभी बचे हैं 14 मिनट और 30 सेकंड, 6 मिनट हो गए हैं। पूरी फोन आ रहे थे आराम से, ये क्या हो रहा है इतनी धीरे क्यों आ रहा है भाई? देखो इसी डेट आ गई है, पता नहीं पैड लिया क्या, ये क्या हुआ, बिली मार दी क्या? अच्छे कारनामे करेंगे हम यहाँ पे, अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गए। हाँ अभी सबके पास GoPro भी नहीं था तो अपना पर्सनल शॉट भी लेंगे यार, ऐसे कैसे। सो गगन पाजी को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फिर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, माया है इनकी, डार्लिंग हमारी है जोया। लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जेनिफर विंगलेट को आप क्यों हैशटैग क्यों करते हो, तो भाई एक उसका पहले प्रोग्राम आता था
बेहद और एक अब आता है बेपना. बेहद में उसका नाम था माया, बेपना में उसका नाम है जोया. और हमारे दूसरे मौसी के बेटे आई लव हर यार माया, आई लव माया, आई लव हर, आई लव माया. तो ये हमारे खास मित्र हैं, खास. चलो इसी के साथ गगन पाजी वीडियो खत्म कर रहे हैं हम आज का प्लान यहीं पर फिनिश करते हैं. और हम लोग अगली बार सारे भूसा वाले जा रहे हैं, वो भूसा ट्रैक होगा, भूसा ट्रैक. और हमें ऐसी गुडीज भी मिली है यहाँ से, ये देख सकते हैं, ऑलिव क्रीज से, ये रहा, देख लो, फॉलो कर लेना. जय माता दी.